फसावल जैसे हम निर्दोष बनी ऐसे हम आप हाजिर हुए नहीं। किसकी साजिश है भैया? गोल लगातनी समाचार बटुए आरा से रिपोर्टर बानी राकेश कुमार जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, रेप कांड के मुख्य आरोपी साथे साथ राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव कोर्ट में कैलन सरेंडर। भोजपुर पुलिस के आंख में धूल झोंक के 3 साल बाद कोर्ट में कैलन सरेंडर। खबर का बटुए विस्तार से जानी। कहल गइल बा कि आरोपी कतनो बड़ होके पुलिस अगर चाहती तो बिल में से खोज निकाली, लेकिन पुलिस के चकमा देके कोर्ट में सरेंडर कर दिहले पूर्व विधायक। खबर तनी विस्तार से जानी। भोजपुर जिला के आरा कोर्ट में रेप कांड के मुख्य आरोपी साथे साथ संदेश विधायक पूर्व राजद विधायक अरुण यादव शनिचर के कोर्ट में सरेंडर कर दिलन। भोजपुर पुलिस आंख फाड़ के टकटकी लगा के बैठल रहल, लेकिन आरोपी पूर्व राजद विधायक पुलिस के आँखी में धूल झोंक के आसानी से कोर्ट में सरेंडर कर देने। रउरा सबके बता दी कि बीतल वर्ष 2019 में 18 जुलाई के एगो नाबालिग पीड़िता पटना के सेफ्स रैकेट संचालक के चंगुल से भाग के आ आयल रहे, जेकरा बाद यौन शोषण के शिकार भइल। पीड़ित के भाई के द्वारा टाउन थाना में आवेदन देके अनीता देवी संजीत कुमार और छोटू के विरुद्ध शिकायत दर्ज करैले रही, जेकरा बाद टाउन थाना में कांड संख्या 340/19 आ पाक्सो में कांड संख्या 47/19 दर्ज होल रहे। पीड़िता के 166 के पहल का बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश कुमार और संजय कुमार आ उनकर जीजा के आरोपित कैल गेल रहे, जबकि 166 के दूसर का बयान में राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव भी आरोपित भैलन। पुलिस के संबंध में 166 के बयान भी दर्ज कैलस। यह घटना में पुलिस तुरंत कार्रवाई करत 4 लोग के गिरफ्तार करके जेल भेज दिले रहे, लेकिन पुलिस राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव के गिरफ्तार करे में नाकाम रहे। वही पुलिस अपन नाकामी छुपावे खातिर पूर्व राजद विधायक अरुण यादव पे प्राथमिकी दर्ज भैला के 1 साल बाद इनकर पैतृक गांव लसाढ़ी स्थित कुर्की जब्ती कैलस, लेकिन एकरा बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहल। एकरा बाद पुलिस अपन नाकामी छिपावे खातिर हाथ पर हाथ बस धैले बैठल। यही बीच अचानक 3 साल बाद रेप कांड के मुख्य आरोपी सह राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव आसानी से आरा कोर्ट में सरेंडर करके भोजपुर पुलिस के मुँह पे तमाचा मार दिले बने। वही बता दी कि बीतल वर्ष 2021 के दिसंबर महीना में गवाह के मुकदमा साक्ष्य के अभाव के कारण पकड़ल गई 4 गो आरोपी के आरा कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिले बा। इन्हें राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव अपना ऊपर लगल आरोप के गलत बतावतरन। जी हाँ, ये अपन आरोप जौन लागल बा ओकरा के ही गलत बतावतरन। ऊ कहलन कि हम बिल्कुल निर्दोष बानी, हमारा न्यायालय पे भरोसा बा, से कोर्ट में हाजिर होल बानी। हम किडनी के बीमारी से भी पीड़ित बानी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं की बोल सकत। हालांकि अपना स्तर से भोजपुरिया समाचार के पत्रकार साहेब बतियावे के प्रयास कईनी, लेकिन यहाँ के अपन रोग के दावा दे के कुछ भी बोले से इनकार कर देनी। भोजपुरिया समाचार फिर भी इनकर बयान सुनाई, वकील का कहता लोग वो देखाई आ लाइव सरेंडर के तस्वीर भी दिखाई। बस रउरा सभे अगर आरा के खबर सबसे पहले चाहतनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कैसन लागल, अधिक से अधिक शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। तब बड़ा खबर आरा से बटुए, राजद के पूर्व विधायक रेप केस में 3 साल बाद सरेंडर कोइले बड़े लाइव।
हम किडनी के भी रोगी भी बानी, केस में फसावल भूल बा, जैसे हम निर्दोष बानी, ऐसे हम आप हाजिर भाई नहीं, किसकी साजिश है भैया? नहीं यारो सर सर एक मिनट बैठ कर जल्दी जल्दी सर हमरा ऐसे हम हाजिर भाई नहीं हाँ और झूठा के फसावल बनी, हम किडनी के रोगी बनी, हम बोले में समर्थ बने, जहाँ भी बोले कोई तो वकील साहब लोग इतने दिन तक भरोसा बा, हम किडनी के रोगी भी बानी, झूठा केस में फसावल जैसे हम निर्दोष बानी, ऐसे हम आप हाजिर भाई नहीं, किसकी साजिश है? इन्होंने एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला था, जिसमें इन्होंने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, और चूंकि कहा गया कि इनकी दोनों किडनी फेल है और इसलिए इन्हें बेंच पर बैठाया गया था कोर्ट में, और फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हाकिम ने कस्टडी में भेज दिया। जिन पे आरोप सिद्ध हुए हैं अभी तक, मतलब चार लोगों को तो बेल मिल गई थी, चार लोगों बाकी लोगों का तो एक्यूटल हो गया है, कुछ लोगों का चार लोगों को बेल भी मिली थी, उसके बाद इनका एक्यूटेशन चूंकि अबैंडन थे, भागे हुए थे, हाँ ये फरार घोषित थे, तो उसके बाद आज इन्होंने न्यायालय में आकर इलाज वलाज के लिए भी कोई निर्देश दिया है क्या जज साहब ने? नहीं आज कुछ नहीं दिए हैं, वही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में केवल और चूंकि बीमार है इसलिए इनका सजा का कब ऐलान होगा मैम? सजा का कब ऐलान? अभी सजा के अभी तो चार्जशीट आया है ना, तो उसके बाद इन पर आरोप का गठन होगा, फिर ट्रायल शुरू होगा, सबकी गवाही होगी और उसके बाद क्या होता है सजा या क्या होता है। क्या नाम हुआ मैम? मेरा सरोज कुमारी, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो। ठीक है, वो उनका नाम नहीं था FIR में, बाद में उनका नाम लाया गया केस में, और कोई ऐसा केस है नहीं, पहले था तो आज सरेंडर करके बेचारे, तो अभी उनको न्यायिक हिरासत में, हाँ फिर न्यायिक हिरासत में, अब 14 दिन के बाद फिर उनको बोला, 14 दिन का रिमांड होता है सरेंडर करने पर, उसके बाद आगे केस चलेगा।